राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। मेरा एक सवाल है, आपने जो भजन गाया था सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सेवा सेवा में गुजारो सारी जिंदगी। हमने एक माँ को अपने घर में रख लिया था, गांव की ये घूम रही थी, 2.5 साल उसको रखा अपने घर में, आपकी कथा सुन गए। कोरोना लगा था 22 मार्च को, तब रख लिया था। फिर वो 2.5 साल रखा तो वो हमको कहने लगी कि जल्दी दिखा के लाओ, नहीं कलंक लग जाएगा आपके। क्या दिखा के लाओ? तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी तो गिर पड़ी एकदम, कहने लगी जल्दी दिखा के लाओ नहीं आपको कलंक लग जाएगा। तो हमने कुछ दिन तक सह लिया, वो काफ़ी वैसे बोलने लगी तो उसको छोड़ दिया है, तो पाप लगेगा गुरु जी। तो अभी कहाँ है वो? अभी अपने घर में ऐसे रहती पड़ी रहती है, तो क्या करें गुरु जी उसको? सेवा करना, जितना कर सको कर लो, जितना हेल्प कर सको। भी गिर गई है तो टूट गया, मगर डर की वजह से हम नहीं लाए उसको दोबारा। फिर भी आप इंसानियत के नाते आप बहुत अच्छे हैं कि आपने एक किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, आपने तो पुण्य किया, रत्ती भर भी आपने पाप नहीं किया। पर अभी भी एक तो बूढ़ों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोलना कम चाहिए। कम दिखता था गुरुजी उसको, और ये हाथ से रोटी बनाती तो ये जले थे हाथ, तो हमें आपकी कथा सुन के दया लगाई, बिल्कुल चेंज हो गया शरीर एकदम, ऐसा लगता है कि ऐसे सेवा में लगे रहे, तो रख लिया। तो अभी उनकी सेवा जो बन पड़े आपसे करते ही रहिए। गुरुजी कहने लगती है कुछ खिला देती हैं, और मांगती है तो दे देते हैं, तो बाद में कहती है कि कुछ खिला देती है। चलो फिर भगवान जाने, हमारे हिसाब से सबकी हेल्प करो, सबकी सेवा करो बस, ठीक है। और गुरुजी जी, हमारे पति संत रामपाल जी से जुड़े हैं, तो भगवान की अगर निंदा करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? कहाँ है, बात कराओ। नहीं है गुरु जी, वो बाहर रहते हैं, यहाँ के लिए भी नहीं आने देते, मना करते, लेकिन इस बार कह दिया था चली जाओ, पहुँच के आए। तो आप ना अपनी भक्ति का रंग उन पे चढ़ा दो। नहीं मानते गुरु जी। वो क्या मानते हैं फिर? उन्हीं को मानते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, मतलब भगवान की पूजा नहीं करते वो लोग? वही गुरु जी को मानते, कहते हैं तुम आप भी उसी में जुड़ो, नहीं हम सब छोड़ देंगे। तो उनको ही भगवान मानते हैं? हाँ, उन्हीं की पूजा करते हैं। हम अपना अलग कमरा में भगवान रखते हैं, वो अलग एक कमरा में रखते हैं। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और गुरु जी देख रहे होंगे अगर, तो कहेंगे हमारी शिकायत कर रहे हैं। नहीं वो नहीं देख रहे होंगे, ऐसे लोग सत्संग नहीं करते। राधे राधे गुरु। वो ऑलरेडी इतना कुसंग कर चुके हैं कि सत्संग उन्हें समझ ही नहीं आएगा।